जोधपुर शहर के 10 थाना क्षेत्रों में जारी कर्फ्यू में आज छूट दी गई। इस छूट के दौरान फल, सब्जी, डेयरी और किराना की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की दुकानें बंद रहीं। सभी लोग जरूरत का सामान खरीदते भी नजर आए। कर्फ्यू ढील के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं होने दिया गया। इस दौरान पुलिस की ओर से माकूल इंतजाम भी किए गए। दारी थी, विशेष रूप से जो दूध है, फल सब्जी है और परचून किराने की दो दुकानें हैं, उसके लिए विशेष मांग आ रही थी। सुबह 8 से 10, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, सुबह 8 से 10 के बीच में कर्फ्यू में इन तीन विशेष सुविधाओं हेतु कर्फ्यू में छूट रहेगी। और जो पहले जो छूट थी जिसमें पानी, बिजली और हमारी मेडिकल सुविधाएं थी, मेडिकल शॉप्स और मेडिकल क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स जो भी उस एरिया में कर्फ्यू क्षेत्र में 10 थाना क्षेत्र में आ रहे हैं, उस पर पहले से छूट थी। उसमें एडिशनली फल सब्जी, दूध, डेयरी और किराने की दुकान, इस पर छूट रहेगी 8 से 10। और 10 बजे के बाद में पुनः जैसे आज कर्फ्यू 3 पुरानी छूटों के साथ चल रहा था, उनके साथ चलता रहेगा। कोई भी आदमी अगर अपना कोई सी डैमेज हुए हैं और जिस पे आपको उसको लगता है कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए हैं, वो अपना एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और हम इसी हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, जो भी के अपने पास रिपोर्ट आएगा इसी हिसाब से हम केस दर्ज करेंगे। 151 में अभी तक जो है 201 लोग हमने अरेस्ट किए और 20 जो लोग हैं वो अपने जो एफआईआर दर्ज हुए हैं, विशेष तौर पर जो रात की घटना थी जो 2 तारीख को 3 तारीख को उनका अरेस्ट हुए हैं। हमने सभी जो मुलजिम है, जो गिरफ्तार हुआ है, उनका 10 दिन का पीसी लिया है। उस 10 दिन के पीसी में हम सभी चीज क्लियर करेंगे, क्या है क्या नहीं है। हम मेनली हम सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और फील जो इंटेलिजेंस है, सभी देखकर जब हमें लगे पर्याप्त सबूत है तभी हम अरेस्ट कर रहे हैं। और बाकी लोग हम इसीलिए थोड़ा स्लो है, बट हमें ये लगता है जो जिसके विरुद्ध अभी तक हमारे पास सफिशेंट प्रूफ नहीं है उनको हम अरेस्ट नहीं करें। दूसरा बात है जो कुछ लोग हैं जिसको हमने 151 में अरेस्ट किया था जो कर्फ्यू का वायलेशंस का था और ऐसा कोई अन्य उनके विरुद्ध ऊपर हो नहीं है, उनको हम कुछ लोगों को बेल आउट करवाएं। कर्फ्यू की वजह से हमको 2 घंटे के लिए गवर्नमेंट ने छूट दी है, इस वजह से हम घर पे आवश्यक सामान ले रहे हैं, थोड़ा मार्केट आए हैं। कर्फ्यू में जो 2 घंटे की छूट दी गई है उसमें हम लोग आवश्यक सामान लेने के लिए आए हैं, दूध दही है, किराना का सामान है, जरूरी चीजें हैं।